मैं पता है आपका आपका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि फ़ायदेमंद हो और कारामद हो तो हम देखें पढ़ें. मैं ये नहीं कहना चाहती, मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक मुझे एक ना जब से मैंने मतलब वीडियोस में देखा है एक जस्तुजू एक इंटरेस्ट हो गया है कि देखें तो ऐसे है क्या. अच्छा, कौन सी नॉलेज है, कौन सी इंफॉर्मेशन है. हाँ आप जिस बात की बात कर रही है ना ये भी इंसान की फितरत. अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग. उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे. मैं हूँ आसिका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी. अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल. उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे. दोस्तों जा रहे खुश रहे, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ है. माँ बाप की जितनी खिदमत करें कम है. जिनके माँ बाप इस दुनिया में नहीं हैं उनसे पूछें और उन अभी से अपने माँ बाप की खिदमत करना शुरू कर दें. तो आज की हमारी वीडियो है फाइव फेमस साइंटिस्ट कन्वर्ट टू हिंदुइज्म. सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को. लेट्स स्टार्ट. ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है फाइव फेमस साइंटिस्ट हु कन्वर्टेड टू हिंदुइज्म. सो स्टार्ट करते हैं वीडियो. आई एम कांग्रेसवुमन तुलसी गैबर्ड एंड आई एम हिंदू. आई एम हिंदू. आई एम हिंदू. आई एम हिंदू. I am Hindu. 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 I am Hindu American. दोस्तों क्या आपको पांच ऐसे फेमस साइंटिस्ट के बारे में पता है जो हिंदू धर्म को फॉलो करते थे. दोस्तों वैसे तो हमारी दुनिया बहुत सारे धर्मों से भरी पड़ी है और इन धर्मों में बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें भी लिखी हुई हैं, जिनको समझकर इंसान अपने जीवन को सफल बना सकता है. पर दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुनिया के पाँच ऐसे प्रसिद्ध वैज्ञानिकों के बारे में जो हिंदू धर्म पर विश्वास और इसको फॉलो करते थे. तो चलिए देखते हैं. नंबर पाँच, वर्नर हाइजेनबर्ग. दोस्तों वर्नर हाइजेनबर्ग एक जर्मन थ्योरेटिकल फिजिस्ट थे जिसने क्वांटम मैकेनिक्स में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था. ये सबसे ज्यादा फेमस तब हुए जब इन्होंने 1927 में अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को पब्लिश किया था और बाद में इसके इस प्रिंसिपल के लिए इनको साल 1932 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया. दोस्तों वर्नर हाइजेनबर्ग साल 1929 में भारत आए थे और इस दौरान इन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर से मीटिंग की थी और इस मीटिंग में हाइजेनबर्ग ने हिंदू धर्म में मौजूद वैदिक फिलोसफी और उपनिषद फिलोसफी पर बात की थी जिससे ये काफी ज्यादा प्रभावित हुए थे क्योंकि ये हिंदू धर्म में मौजूद वैदिक और उपनिषद नॉलेज को क्वांटम मैकेनिक्स से काफी हद तक रिलेट कर पा रहे थे. इसके बाद इन्होंने अपने विचार लोगों के सामने जाहिर किए जिसमें इन्होंने कहा कि क्वांटम थ्योरी उन लोगों को बिल्कुल भी मजाक नहीं लगेगी जिन्होंने वेदों को पढ़ा हुआ है और कहा कि रविंद्रनाथ टैगोर के साथ बातचीत के बाद कुछ विचार जो मुझे पागल लग रहे थे वे विचार अचानक से मुझे अधिक समझ में आने लगे और यह मेरे लिए बहुत बड़ी मदद थी जिससे मैं हिंदू धर्म में मौजूद वैदिक नॉलेज की कोर को अधिक समझ पाया और अब मैं फिजिक्स की उन गुथियों को भी सुलझा पाऊंगा जो पहले मुझे काफी ज्यादा उलझी हुई नजर आ रही थी. दोस्तों आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि वेदों और उपनिषदों का ज्ञान दुनिया में सबसे ज्यादा तब फैलने लगा यानी तब पॉपुलर होने लगा जब 19th सेंचुरी में एक जर्मन फिलोसफर ने वैदिक नॉलेज से काफी ज्यादा प्रभावित हुए तब वेदों और उपनिषदों को दूसरी भाषाओं में ट्रांसलेट किया जाने लगा. नंबर फोर, रॉबर्ट ओपनहाइमर. दोस्तों रॉबर्ट ओपनहाइमर एक अमेरिकन थ्योरेटिकल फिजिस्ट थे जिनको फादर ऑफ एटॉमिक बम के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि एटम बम को बनाने के लिए सबसे ज्यादा योगदान इन्हीं का रहा है. और रॉबर्ट एक साइंटिस्ट होने के साथ साथ हिंदू धर्म में भी पूरी आस्था और विश्वास रखते थे इसलिए इन्होंने साल 1930 में भगवत गीता को इसी की ओरिजिनल लैंग्वेज में पढ़ने के लिए संस्कृत भाषा सीखी थी क्योंकि रॉबर्ट भगवत गीता को इंग्लिश में ट्रांसलेट करवा के पढ़ना नहीं चाहते थे. वे भगवत गीता को इसी की ओरिजिनल भाषा में यानी संस्कृत में ही पढ़ना चाहते थे और दोस्तों इसके कारण जूलियस रॉबर्ट भगवत गीता महाभारत और इंडियन हिस्टोरिकल फैक्ट से काफी ज्यादा प्रभावित हुए और इन्होंने भगवत गीता के प्रति अपने विचारों को लोगों के आगे जाहिर किया जिसमें इन्होंने कहा कि भगवत गीता किसी भी ज्ञात भाषा में मौजूद सबसे सुंदर और दार्शनिक गीत है जो हमें इस पूरे ब्रह्मांड और इसके रहस्यों के बारे में जानने के लिए मदद करती है. और दोस्तों जब ओपनहाइमर ने 16 जुलाई 1945 को मेक्सिको के डिजर्ट में अपने ही बनाए हुए एटम बम का भयानक विस्फोट देखा तो तब उन्होंने कहा कि मुझे हिंदू शास्त्र भगवत गीता की वह पंक्ति याद आ रही है जब श्री कृष्ण अपना विराट स्वरूप दिखाते हुए अर्जुन को समझा रहे हैं कि मैं लोगों का नाश करने वाला महाकाल हूँ और मैं इस समय अधर्म का नाश करने के लिए परिवृत हुआ हूँ. नंबर थ्री, कार्ल सैगन.
दोस्तों कार्ल सैगन एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर, कॉस्मोलॉजिस्ट, एस्ट्रोफिजिस्ट, एस्ट्रोलॉजिस्ट एंड फिलोसोफर थे। इन्होंने कॉस्मोलॉजी और मॉडर्न स्पेस एंड साइंस को समझने के लिए अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। पर दोस्तों इसके साथ साथ लोग इनको हिंदू भगत के रूप में भी जानते थे। दुनिया के दूसरे वैज्ञानिकों की तरह कार्ल सैगन भी हिंदू धर्म में मौजूद वेद और उपनिषदों के अपार ज्ञान से काफी ज्यादा प्रभावित थे। वे मानते थे कि हिंदुओं के वेद और उपनिषदों में ब्रह्मांड का सेम वैसा ही उल्लेख मिलता है जैसे आज मॉडर्न साइंस ने हमें बताया है। कार्ल सैगन हिंदू धर्म पर पूरा विश्वास रखते थे, इसलिए उन्होंने हिंदू धर्म को और ज्यादा करीब से जानने के लिए भारत में कई साल बिताए थे। उन्होंने कहा था कि हिंदू धर्म दुनिया के महान विश्वासों में से एकमात्र है जो इस विचार को समर्पित है कि ब्रह्मांड स्वयं एक विशाल वास्तव में अनंत मौतों और पुनर्जन्मों की संख्या से गुजरता है। यह एकमात्र धर्म है जिसमें स्पेस एंड टाइम के पैमाने मॉडर्न कॉस्मिक साइंस के समान है। इसका चक्र हमारे साधारण दिन और रात से 8.64 बिलियन ईयर्स लंबे ब्रह्मा के दिन और रात तक चलता है जो पृथ्वी या सूर्य की आयु से अधिक और बिग बैंग के बाद से लगभग आधा है। दोस्तों ये विचार हिंदू धर्म को लेकर उनका काफी फेमस थॉट था जिसको आप इंटरनेट पर इंग्लिश में भी पढ़ सकते हो। नंबर 2 इरविन स्क्रोडिंगर। दोस्तों इरविन स्क्रोडिंगर एक फेमस फिजिस्ट थे जिन्होंने क्वांटम फिजिक्स में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था, इसलिए साल 1933 में इनकी वेव मैकेनिक्स इक्वेशन के लिए इनको नोबेल प्राइज से सम्मानित भी किया गया था और 1937 में इनको मैक्स प्लैंक मेडल से सम्मानित भी किया गया था। दोस्तों इरविन को वेदांति हिंदू भी कहा जाता है क्योंकि ये वेदों और उपनिषदों से काफी ज्यादा प्रभावित थे। इनका एक प्रसिद्ध विचार है जिसमें इन्होंने कहा था कि मेरे क्वांटम मैकेनिक्स के ज्यादातर सिद्धांत वेदों से काफी ज्यादा प्रभावित है, क्योंकि इरविन ने वेद और उपनिषदों को गहराई से अध्ययन किया था और ये अपने साइंटिफिक थॉट्स को वेदों से कनेक्ट कर पाते थे। इनका मानना था कि जैसे क्वांटम मैकेनिक्स में एक पार्टिकल तभी एग्जिस्ट करता है जब उसको कोई देख रहा होता है और जब पार्टिकल को ऑब्जर्व किया जाता है तब वह वेव की फॉर्म में होता है। इसी प्रकार वेदों में भी बताया गया है कि हमारी दृष्टि ही इस पूरी सृष्टि को बनाए हुए है। जब हम मर जाते हैं तो हमारे लिए ये पूरी सृष्टि भी मर जाती है। दोस्तों इरविन के वेदों और उपनिषदों पर फेमस कोट्स को आप इंटरनेट पर भी सर्च करके पढ़ सकते हो। नंबर 1 हांस पीटर। दोस्तों हांस पीटर एक वर्ल्ड फेमस जर्मन फिजिस्ट थे जिन्होंने न्यूक्लियर एंड क्वांटम फिजिक्स में अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। दोस्तों इन्होंने हिंदू धर्म के वेद और उपनिषदों पर 35 साल अध्ययन किया और इनका सबसे प्रसिद्ध विचार ये है कि ये कहते थे कि जब भी मैं क्वांटम फिजिक्स को पढ़ाता हूँ तब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं हिंदू धर्म में वेदांतों और उपनिषदों पर बात कर रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों ये भी हिंदू धर्म के शास्त्रों के ज्ञान से काफी ज्यादा प्रभावित थे, इसलिए ये वेदों में मौजूद ब्रह्मांड के ज्ञान को क्वांटम मैकेनिक्स से रिलेट करते थे। और दोस्तों ईसी जॉर्ज ने भी ईसाई धर्म को छोड़ हिंदू धर्म अपना लिया था। ईसी जॉर्ज एक इंडियन अमेरिकन थ्योरेटिकल फिजिस्ट थे जिन्होंने हिंदू धर्म अपनाने के बाद अपना नाम ईसी जॉर्ज सुदर्शन कर लिया था। ये यूनिवर्सिटीज ऑफ टेक्सास में एक प्रोफेसर भी थे। ये फिजिक्स में अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाने जाते हैं जैसे क्वांटम जीनो इफेक्ट, ओपन क्वांटम सिस्टम और क्वांटम कंप्यूटेशन। इन्होंने अपना ज्यादातर टाइम हिंदू धर्म में मौजूद वेद पुराण और उपनिषदों का अध्ययन करने में बिताया था। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को क्या ही बात है। अच्छा एक बात बताऊँ मैं आपको, झिझोड़ देती है मुझे ये चीज़ें अंदर से। अच्छा हमने आज तक ये सुना है कि बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं या बहुत सारे ऐसे लोग हैं और कुछ ऐसी चीज़ों से नॉलेज ले के इस्लाम कबूल किया। हमें ये पता है, मैंने भगवत गीता का बहुत ज़्यादा सुना है कि टेक्नोलॉजी और आयुध इन चीज़ों में इसका बहुत मतलब इसको लेकर ही गाइडलाइन मिली है और इसको ही लेकर मतलब वो लोग आगे बढ़ पाए हैं, इससे बहुत गाइडलाइन मिलती है उनको। अच्छा, इससे गाइडनेस मिली है। अच्छा एक और चीज़ के थोड़ा सा मतलब बहुत हैरत हो रही है हमें इस बात पे कि हमने साइंटिस्ट को लेके इस्लाम कबूल करने के जो वाक्य हैं उनको बहुत बढ़ा चढ़ा के इक्का दुक्का मतलब एक दो वाक्य बार बार मतलब हमारी नज़रों के सामने आते हैं कि एक ऐसे साइंटिस्ट थे जो उसकी फिरौन की लाश पे सर्च कर रहे थे, फिरौन की लाश का अध्ययन कर रहे थे
तो उन्हें कुछ ऐसी चीज़ें मिली, कुछ ऐसी चीज़ें पता चली, इस्लाम कबूल किया। अरे साइंटिस्ट को लेके इस्लाम कबूल करने की इतनी ज़्यादा, मैंने ये नोट किया कि हमें साइंटिस्ट को लेके इस्लाम के हवाले से इतनी कोई मेरे ख्याल में एग्जांपल्स नहीं मिलती। हाँ। लेकिन मैं तो हैरान हूँ कि यार हिंदुइज्म को लेके। अच्छा, मैं ही देख रही हूँ कि ऐसे लोग जो इतने एजुकेटेड हैं, जो मतलब, और अच्छा मैंने ज़्यादातर को देखा क्वांटम थ्योरी। बिल्कुल, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं क्वांटम थ्योरी जो है ना बेसिकली भगवत गीता के अंदर पूरा होगा इसके तो बारे। ही तो ही अच्छा अच्छा एक शख्स को स्टडी कर रहे हैं और फिर आगे बढ़ रहे हैं और फिर उनको बहुत कुछ क्लियर भी हो रहा है, वो जहाँ पे फंस रहे हैं, जहाँ पे उनको थोड़ा सा मतलब मसला है, प्रॉब्लम होती है, तो वो भगवत गीता से गाइडेंस लेते हैं। फिर उनके बाद जब उनको वहाँ से रहनुमाई मिली, क्लैरिटी हो जाती है, तो फिर ऐसी बात, उनका तो बिलीव करना बनता है बहुत। वैसे एक बात है कि अनबिलीवेबल, बहुत ही मतलब हैरान कुन वीडियो है। और अच्छा मैं आपको एक दिल की बात बताऊँ, सच सच पता नहीं क्यों मुझे बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए, लेकिन मैं बोलती हूँ। मैंने एक वीडियो हमने देखी थी, हरे कृष्णा, यकीन करें हर अच्छा अब मुझे ऐसा लग रहा है कि एक होता है ना जुस्तुजू, एक इंटरेस्ट हो रहा है कि भगवत गीता पढ़कर देखनी चाहिए, ठीक है, डिफरेंट लैंग्वेज में है वो। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊँ, देखिए मजहब अपनी जगह पे, हर इंसान का मजहब है, वो अपने मजहब पे कायम रहे जो भी है, लेकिन मैंने ये देखा है बहुत पढ़े लिखे लोग, बहुत ही आलिम और फाजिल लोग जो है वो बाकायदा बाइबल पढ़ते हैं, वो बाकायदा भगवत गीता पढ़ते हैं। देखिए आखिर हजारों करोड़ लोग उस पर ईमान रखते हैं, तो उसे पढ़ के तो देखा जाए उसके अंदर क्या है, ठीक है ना। अच्छा कुरान पाक है, मिसाल के तौर पर वैसे मैं अपना बताऊँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं और अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है, ठीक है। लेकिन कई लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि वो कुरान के बारे में सुनते हैं, कोई हिंदू या कुछ भी है, तो उनके जहन में ये चीज़ आती होगी, उनके जहन में सारे हिंदू हैं जिन जो कुरान से रिलेटेड बातें कर रहे होते हैं, उनको पता होता है कुरान में क्या बातें कही गई, तो हमें भी पता होना चाहिए कि भगवत गीता में क्या बताया गया। तो मैं ये कहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ इंसान इन्फॉर्मेशन के लिए अपनी ज़िंदगी को सही राह पे लाने के लिए और अपनी ज़िंदगी की मुश्किलात को उससे कैसे निकलना है, इन चीज़ों के हल इन किताबों में हैं, ठीक है ना। अच्छा इसमें कोई ये वो चीज़ नहीं है कि नहीं यार मज़हब वो तो ये मज़हब वो, तो इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई कहीं ना कहीं बात ज़रूर है जो इन साइंटिस्ट को फील हुआ और इन्होंने फिर हिंदुइज्म में आए, तो इन्फॉर्मेशन के लिए इंसान अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाने के लिए, इंसान अपनी ज़िंदगी की मुश्किलात से निकलने के लिए कोई भी ऐसी बुक, अगर आपको उससे कोई फ़ायदा होता है, अगर आपकी ज़िंदगी में उससे कोई चंद अल्फाज निकलते हैं जिससे आपको कोई बेनिफिट्स होता है, देखो मैं नहीं समझता कि इन बुक्स में कोई गलत बात होगी। अच्छा मैं पता है आपका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि फ़ायदेमंद हो और कारामंद हो तो हम देखें पढ़ें, मैं ये नहीं कहना चाहती, मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक मुझे एक ना जब से मैंने मतलब वीडियोज़ में देखा है एक जुस्तुजू, एक इंटरेस्ट हो गया है कि देखें तो आया इसमें है क्या, अच्छा, कौन सी नॉलेज है, कौन सी इन्फॉर्मेशन है। हाँ आप जिस बात की बात कर रही है ना, हाँ। ये भी इंसान की फितरत के अंदर अल्लाह पाक के चाहता है, जभी तो अल्लाह पाक ने इल्म हासिल करने का हुक्म दिया है कि इल्म और उसकी कोई अच्छा सबसे बड़ी बात इल्म की कोई अच्छा इल्म का मतलब क्या है, जानना। अब क्या जानना, इसकी हाँ। कोई डेफिनेशन नहीं है, आप इस जिंदगी को गुजारने का तरीका, जिंदगी के इश्यूज, मसले मसाइल, ये वो आप किसी भी कहीं से भी किसी भी किताब से ले सकते हैं। कहीं हमें ये नहीं लिखा हुआ, कहीं हमें इस बात की मुमानियत नहीं है कि आप ये नहीं पढ़ सकते, आप ये नहीं पढ़ सकते, आप इस बुक को नहीं पढ़ सकते, इससे गाइडलाइन नहीं ले सकते, ऐसा नहीं। पढ़ने को तो आप जान सकते हो, आप सब पढ़ सकते हो। बिल्कुल, खैर एक बहुत ही मतलब हैरान कुन कहूँगा, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो जोड़ देने वाली। तो दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।